आज देव उत्थान एकादशी है। भगवान विष्णु भगवान चार महीने शयन में थे। अब आज भगवान विष्णु जो है शयन से जाग रहे हैं, उठ रहे हैं। आज से जो भी मंगलिक कार्य है आज से वो प्रारंभ हो जाएंगे। घर में शादी विवाह जो भी जितने भी कार्य रुके थे सारे कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहे हैं। विष्णु भगवान आज शयन से जाग गए हैं। अब ये आज सुबह से शाम से शाम तक जो है ये शालिग्राम और तुलसी माता का जो है विवाह का कार्यक्रम चलेगा। पप्पू जी का कार्यक्रम चल रहा है, विवाह हो रहा है। ये देखिए सारी महिलाएं ये यहाँ पे एकत्रित हैं। ये देखिए घर में कन्या और जो है अपने परिवार में बहनों बेटियों के विवाह शादी होता है, वैसे यहाँ भी एक कार्यक्रम। उसी तरह ये भगवान है, ये देव है। जैसे घर में मनुष्य अपने बच्चों के अपने लड़कियों करता वैसे ये देव की शादी हो रही है। सुबह से शाम तक इसी तरह ये कार्यक्रम शादी विवाह का ये चलता रहेगा। अब कल से जो है अपने घर में जो कन्याएं उनका शादी जिसके यहाँ जो होना है वो कार्यक्रम मंगलिक कार्यक्रम पूरी तरह से प्रारंभ हो जाएंगे। हम लोग प्रयागराज के रहने वाले हैं, एक महीना कार्तिक नहाते हैं और आज तुलसा का विवाह है और आज से विष्णु भगवान उठ जाएंगे। सबके शादी विवाह चार महीना सोए थे, आज से उठ जाएंगे तो सबके शादी विवाह आज से शुरू हो जाएगा। गंगा जी नहाए, दान दिए और तुलसा की पूजा किए, शादी विवाह हो रहा है। अभी पप्पू जी हो रही है, अभी भौरी फिरेगा। हाँ, जैसे घर में लड़की लड़का की शादी होती है वैसे ही होता है, सब विधि विधान से हो रहा है। मठबंगरा हुआ, तिलमायन हुआ, तिलक चढ़ा, अब आज बारात है, कल नटका होगा, फिर विदाई होगी। आज जितवन एकादशी का दिन है। आज के दिन विष्णु भगवान चार महीने के बाद जागे थे। इस उपलक्ष्य में आज राधा कृष्ण की शादी होती, तुलसी माता की शादी होती है।